मैं टीचर हूँ ना, मैंने 10 बनाया। रोबोट कहाँ तक बना? अरे वाह नाइस। ईद मुबारक आप सबको, आपको बहुत अच्छी अच्छी ईद मनाना और भी अल्लाह ताला नसीब फरमाए। आमीन आमीन। हैप्पी ईद, ईद मुबारक हो। हम सब की तरफ से आप सबको, तमाम मुसलमान बहन भाइयों को, जो भी मुझे दुनिया के जिस कंट्री से भी देख रहा है, सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक एवरीवन। ईद मुबारक एवरीवन। वेलकम और वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम सब भी ठीक हैं, खुदा का शुक्र है। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है, आजकल मेरे व्लॉग्स जो हैं काफ़ी लेट आ रहे हैं। मैं हर दफ़ा बोलती हूँ कि मैं टाइम पे अपलोड करूँगी, पर कर ही नहीं पाती, लेट हो जाता है। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं लियोन के घर पे। एक्चुअली कल है बकरा ईद पाकिस्तान में। सो कल बकरा ईद है और मामा लोग भी आ रहे हैं हैदराबाद से, दोबारा से लॉयड मामा जैनी, क्योंकि 5 दिन की छुट्टियां हो गई हैं, तो इसलिए मामा लोग भी आ रहे हैं। तो लियोन के घर पे आएंगे तो हम लोग भी वहीं जा रहे हैं स्टे करने के लिए। 3-4 दिन हम भी वहीं रहेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं। मामा लोग रास्ते में हैं, हाईवे पे होंगे इस वक्त, वो भी 1 घंटे में है ना, तकरीबन 1 घंटे में वो लोग पहुँच जाएंगे। अभी 6:30 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, वो लोग 7:30 या 8 बजे तक वो लोग भी पहुँच जाएंगे। तो बस अभी हम लोग चलते हैं लियोन के घर पे। काफ़ी लेट हो गया, लेट तो खैर नहीं हुआ है, वो वेट कर रहे हैं, उनकी 2-3 कॉल्स आ गई हैं कि कब आ रहे हो कब आ रहे हो। तो हमने कहा बस अभी हम लोग निकल रहे हैं तो चलते हैं। फैन ऑफ किया हुआ है, पसीने में कैसी हालत हो गई है। चलें। तो गाइस देखें मौसम कितना प्यारा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। अच्छा, ये चांद रात वाला दिन है ईद से 1 दिन पहले। तो हम लोग जा रहे हैं लियोन के घर पे और ये लियोन के घर के नीचे जो है, यहाँ पे बहुत रश हो रहा था क्योंकि यहाँ पे एक बैल ने एक आंटी को मार दिया था। तो एक लड़का बैल घुमा रहा था तो वो बैल उसके हाथों से छूट गया और उसने आंटी को बहुत बुरे तरीके से सींग मारे थे। तो यहाँ पे रश हो गया था, लोगों ने आंटी को साइड पर बिठाया, पानी वानी पिलाया। सो गाइस, हम पहुँच गए लियोन के घर पर और रास्ते में बहुत ज़्यादा काउज गोट और मुझे लग रहा है यहाँ पे लाइट नहीं है, अंधेरा है। ये रही मामा, हेलो। वो देखें पीछे, जीजा साले का प्यार। खाना हम लोगों ने खा लिया है और अभी हम लोग पी रहे हैं चाय। बहुत गर्मी लग रही है, सोच रही हूँ पहले कपड़े चेंज कर लूँ उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। वाओ, कितनी सारी कलेक्शन है। कौन से कार्ड्स हैं ये? पोकेमॉन और ड्रैगन बॉल दी, स्पाइडरमैन, ये फुटबॉल वाली गेम की पता नहीं कौन से कार्ड, और ये बूटी, और बहुत सारे कार्ड्स हैं। सॉरी 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 सॉरी, अरे लगी। और यहाँ बातें करते करते मेरा हाथ जो है जैकू की चोट पे बाय मिस्टेक लग गया था, बेचारे को एकदम से पेन स्टार्ट हो गया था और उसकी चीख निकल गई थी। तो यहाँ पे मैं उसको हल्का हल्का मसाज कर रही थी ताकि पेन रिलीफ हो। अरे ये कितना क्यूट है छोटू सा, छोटे वाले पोकेमॉन कार्ड भी हैं। आपको ट्राउजर टी शर्ट दे दूँ, आप चेंज कर लो, कर लो ना, कर लो चेंज कर लो। नहीं कंफर्टेबल हो? सो गाइस, मैं तो अभी कपड़े चेंज कर रही हूँ। मैं पहन रही हूँ ये लॉन की फ्रॉक क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है और चाय पीने के बाद तो ज़्यादा गर्मी लग रही है। केल्विन अभी चेंज नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं मैं थोड़ी देर में करूँगा। मैंने सोचा मैं तो कर लूँ क्योंकि अब मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। गाइस हाल देखें गर्मी से क्या हो गया, कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है और सुना है हैदराबाद में तो इससे भी ज़्यादा गर्मी है। खैर फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ नहाने, नहा के मैं कपड़े चेंज करूँगी। और गाइस ये वही ड्रेस है जो जैनी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। आप लोगों ने मेरा बर्थडे व्लॉग देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देखें। तो आज ये मैंने फर्स्ट टाइम ही पहना है तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। लाइट कलर है और बहुत अच्छा सा ड्रेस है। तो बस अभी मैं कपड़े चेंज करती हूँ, चेंज करके आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैं नहा धो के फ्रेश होके आ गई हूँ, मज़ा आ गया अब मुझे। इधर भाभी, और इनसे मिलिए, भाभी से। हेलो। और भाभी का हेयर स्टाइल देखें कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाभी का हेयर स्टाइल ना। हाँ ये देखें, वेरी नाइस। और इतने सिल्की और इतने क्यूट क्यूट से लग रहे हैं, बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सूट करता है भाभी पे ये हेयर स्टाइल। अभी फ्रेश कटिंग करवाई है, कब करवाई? हमने करवाई थी 25th को। हाँ, क्योंकि चर्च में बड़ा प्रोग्राम था। हाँ, तो उसके लिए जो है कटिंग करवाई थी। हाँ, भाभी लोग के चर्च में एक प्रोग्राम था तो उसके लिए। हाँ, बहुत गर्मी है, अब हम एसी में जा रहे हैं ताकि हम गर्मी से जो है वो बच सकें। हाँ, एसी में जाके बैठेंगे। और ये लोग क्या बिछा के बैठ गए हैं, सारे कार्ड्स, ब्लू कार्ड्स, रेड कार्ड और ग्रीन और येलो भी है। आपको आता है मिस्टर केल्विन?
देख रहे हो लॉयड को आता है, लॉयड आता है तुझे? तुझे भी नहीं आता? लियोन आता है? और जेनी को आता है? आपको आता है? चलें जी, हम तो खेल रहे हैं स्क्रैबल। चलो बनाओ, वर्ड बनाओ। सबसे पहले जैकू बनाएगा। क्या बनाया है? लॉल। चल जेनी। ओ वाओ, लाइट। नाउ इट्स माय टर्न। मैं टीचर हूँ ना, मैंने 10 बनाया। हाँ, ऐसे लगाओ, ऐसे एन ई टी, नीचे आएगा ये ऐसे। हाँ, क्योंकि एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, ऐसे। हाँ हाँ, अब सही है। नेट, वेरी गुड। फाइनली जनाब को गर्मी लग रही है, एंड फाइनली जनाब आ गए हैं कपड़े चेंज करने के लिए। चार्जर भी निकाल लो। मोबाइल चार्ज करना। हाँ कर लिया चेंज, रिलैक्स हो गए ना। लाओ ये मुझे दे दो, ये वॉलेट तो निकालो। ये मैं अपने बैग में रख देती हूँ, पर्स में ना वॉलेट। सो गाइज, ये लोग कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बन रहा है ये? रोबोट। कहाँ तक बना? अरे वाह, नाइस। तो अभी कुछ तो बना होगा, कुछ भी नहीं, मुश्किल लग रहा है। अभी ये लोग असेंबल कर रहे हैं। मिस्टर केल्विन, आप किन सोचों में हैं? इस बुक की हेल्प से होगा ना? इसको टाइम लगेगा गाइस असेंबलिंग में। जब ये हो जाएगा ना, फिर हम दिखाएंगे पूरा रोबोट। जी गाइस, सो इट्स नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग। आज है ईद का फर्स्ट डे। सो बस अभी अभी हम लोग सोकर उठे हैं। कल रात को हम लोग लेट नाइट सोए थे, क्योंकि हम लोग मूवी वगैरह देख रहे थे, बातें शातें कर रहे थे, तो लेट सोए थे, इसलिए लेट उठे हैं। उठ के अभी नाश्ता कर रहे हैं। भाभी ने बड़ा ज़बरदस्त सा ऑमलेट बनाया है और हलवा पूड़ी का नाश्ता मंगवाया था, तो बस अभी हम लोग वही कर रहे हैं। सो गाइस, नेक्स्ट डे हो गया है और आज है ईद, बकरा ईद। तो आप देख सकते हैं कुर्बानी काफ़ी हो गई है, वहाँ पे भी एक कुर्बानी हुई है। ये अच्छा है कि सफाई साथ साथ हो रही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा गंदा गंदा हो रहा है। यहाँ पे अभी अभी शायद कुर्बानी हुई है, तो ये लोग भी सफाई कर रहे हैं। और ये भाभी बना रही हैं पापड़, दाल चावल के लिए स्पेशल। क्या कह रहे हो? दाल चावल के लिए स्पेशल। हाँ, भाभी ने बड़े ज़बरदस्त से दाल चावल बनाए और अब साथ में जो है वो पापड़ भी बन रहे हैं। भाभी सबको ईद तो मुबारक कर दो, विश कर दो। आमीन आमीन। ये देखिए जी, दाल चावल भी रेडी हैं, कबाब भी रेडी हैं, पापड़ भी रेडी हैं। फिर हम खा के भी दिखाएंगे, खा के भी दिखाएंगे, प्रूफ करेंगे कि हम खा रहे हैं। और ये देखें, केल्विन जो हैं वो बच्चे के साथ बच्चा बन गए, क्रिकेट खेल रहे हैं, इनका मोस्ट फेवरेट गेम। हाँ मज़ा आ रहा है क्रिकेट खेल के, एंजॉय कर रहे हो आप? खाना हम लोगों ने खा लिया। खाना खाने के बाद एज यू ऑल नो कि हमें चाय पीने की आदत है, चाय की तलब होती है, तो बस चाय पी रहे थे, साथ में खा रही थी मैं केक। ये देखें गाइस, बच्चों के साथ बच्चे बन गए, मेरे हस्बैंड भी। इसको टच करना है जल्दी जल्दी, अगर कोई मिस हो गया तो आउट। अभी स्पीड अप हो गया भाई। स्पीड अप है? हाँ। ओ वाओ, यू वॉन। अच्छा, बहुत स्पीड तेज हो गई है। वाओ, गुड गुड। ओ, आउट हो गए। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपने 900 से अबव कर लिया स्कोर। ओके नाउ जैक्स टर्न। कोई बात नहीं। सो गाइस, शाम हो गई है और अब जाके थोड़ा सा ठंडा मौसम हुआ है, सुबह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। सो लॉयड जैनी चले गए हैं जैनी के घर पे, क्योंकि ईद की हॉलीडेज़ हैं 5 days की, तो जैनी भी आई हुई है, तो वो अपनी मामा के घर पे गई है। लॉयड भी गया है, वो लोग कल या परसों वापस आ जाएंगे। मैं लियोन के घर पे ही हूँ, केल्विन भी लियोन के घर पे है और मामा भी लियोन के घर पे हैं, लेकिन मामा भी अभी जा रही हैं डिगरोड मेरी आंटी के घर पे। मामा हेलो, माँ सबको ईद विश कर दो। हैप्पी ईद, ईद मुबारक हो। सबको हमारी तरफ से बकरा ईद मुबारक। और ये रहा लियोन, तो मामा जा रही हैं अभी डिग रोड आंटी के घर पे। कब आओगी आप? कल।
कल आ जाओगी? चलो सही, चलो बाय। सो गाइज, अब जाके वेदर जो है वो अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा, वरना दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैंने इतनी व्लॉगिंग भी नहीं की गर्मी की वजह से। अब जाके जो है वो ठंडा अच्छा मौसम हो गया है, ठंडी हवा चल रही है। गाइस, सो लियोन मामा को जो है डिग रोड छोड़ के आ गए हैं, और अभी बस मैं इस व्लॉग को सोचूं यहाँ पे एंड कर लूँ। कल से मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, कुछ ना कुछ तो बनता जा रहा है। आज ईद का सेकेंड डे है, तो एक बार फिर हम सब की तरफ से आप सबको, तमाम मुसलमान बहन भाइयों को, जो भी मुझे दुनिया के जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। आप भी विश करो ईद मुबारक। आप भी विश करें ईद मुबारक। शाम में लॉयड भी आ जाएगा, तो फिर मैं न्यू व्लॉग कंटिन्यू करूंगी, और उसके बाद क्या होता है वो आप लोग देखिएगा। मामा लोग जो हैं वो कल तक यहाँ पर हैं, फिर कल चले जाएंगे हैदराबाद, फिर हम लोग भी कल या परसों चले जाएंगे। तो बस इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज डू लाइक, कमेंट बिलो, हिट द बेल आइकन बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलूंगी बहुत जल्द आपसे एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। बाय बाय।